अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। टाइम इस वक्त तकरीबन शाम के 6:30 हुए हैं। जैसे पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा था, मैंने बताया था कि मोहम्मद हमज़ा से मिलने जाना था, तो कल हम नहीं जा सके थे, कुछ मेहमान आ गए थे। तो आज हम वहीं पे गए हुए थे, अभी वहाँ से वापस आए हैं। लेकिन सुबह भी कुछ घर पे मेहमान आए हुए थे, तो मैं उस वक्त वीडियो नहीं शुरू कर सका था। तो हम थोड़ा लेट निकले हैं, तकरीबन कोई शाम के 4 बजे के करीब हम निकले हैं जाने के लिए। तो गर्मी भी काफ़ी थी, कुछ दुकान थे, कुछ अपने ग्लासेस जो थे वो एक ख़राब हो गए थे, वो भी बनने को दिए थे। फिर वहाँ से हम सीधे अपने बेटे मोहम्मद हमज़ा के पास चले गए, उसके पास बैठे हैं जाके। कुछ उसके लिए पौधे लेके गए थे वहाँ पे लगाने के लिए, फूलों वाले, वो वहाँ पे माली से पौधे लगवाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बैठे हैं, उससे बस दुआ की है वहाँ पे, उससे कुछ बातें की हैं, कुछ अपना दिल हल्का किया है। बस यही है कि आज दिल बहुत उदास हुआ हुआ था और काफ़ी उसकी याद भी बहुत आ रही थी एक दो दिन से। तो कल हम नहीं जा सके, तो आज गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, सबसे ये दरख्वास्त है कि आप भी उसके लिए दुआ करें। कोशिश करूँगा, अगर किसी दिन हो सका, अभी वो दिल नहीं मानता कि मैं वहाँ की कोई पिक्चर या कोई वीडियो बनाऊँ तो वो पोस्ट करूँ, लेकिन वो अभी दिल मानता नहीं है, या क्या करें, क्या कह सकते हैं अभी इस बारे में, अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो इंशाल्लाह दोस्तों, अब आज और तो मैं शायद कुछ वीडियो या कोई वो नहीं कर सकूंगा, बस इतना सही है कि बस गए थे और अभी वापस आए हैं। 6:30 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में बरकत अता फरमाए, बेहतरी अता फरमाए, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सबको सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए। और हमें ख़ास तौर पर याद रखें दुआओं में, और हमारे बच्चे मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपकी सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत है ताकि हम अपनी लाइफ में अपने आप को दोबारा लेकर आ सकें। बहरहाल दुख है वो तो, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी सांसें हैं, वो हमारे साथ है, उसकी याद हमारे दिल में से नहीं निकल सकती। बस आप दोस्तों की थोड़ी सी सपोर्ट हो ताकि हमारी जितनी सांसें, हमारी ज़िंदगी है, वो बेहतर हम गुजार सकें। बहरहाल अल्फाज नहीं है मेरे पास, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।